मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक चल रही है। बता दें कि मंगलवार को, हर एक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन पिछली दफ़ा की बात कर लीजिए, पिछली दफ़ा सोमवार को ही बैठक बुलाई गई, तो उसमें काफ़ी युवाओं लोग जो कही जाए तो कैबिनेट के बैठक से और कैबिनेट की मीटिंग से चर्चों में थे कि नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या नियोजित शिक्षकों के लिए कोई बात बनेगी राजकर्मी के दर्जा के लिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया कि राजकर्मी का दर्जा, उनको अभी कुछ उनसे अभी पे अभी बात नहीं बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर लीजिए, जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक, वो दिल्ली तक फरमान लेकर पहुंच गए क्या सुप्रीम कोर्ट में कि अभी जो राज्यकर्मी का दर्जा के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। अब ऐसे में आज जो बैठक हो रही है, आज बैठक में जो तस्वीर में आप देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं, साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव ही बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो विभागीय मंत्री हैं, चाहे चंद्रशेखर हों, शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर हों, उसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हो, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, ऐसे तमाम जो मंत्री हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे सब लोग जा रहे हैं। लेकिन जो कही जाए तो आज की बैठक में क्या सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा, पिछले दफ़ा की अगर बात कर ली जाए तो पिछले दफ़ा 10 एजेंडा पर मुहर लगा था, और इस बार कितने एजेंडों पर मुहर लगेगी, उसके साथ ही साथ क्या जो युवाओं के लिए जो कही जाए तो युवाओं के लिए क्या बात बनेगा, जिस तरीके से जातीय जनगणना का भी कल रिपोर्ट आया, उसके बाद क्या आज जो जातीय जनगणना के देखते हुए क्या जो कही जाए जातियों को लेकर भी कुछ अलग से प्रावधान दी जाएगी। ऐसे में साथ साथ बात कर लिया, पिछले दफ़ा अगर 10 एजेंडों में पिछले की बात कर लिया, पिछले में 10 एजेंडों पर मुहर लगा था, उसमें सबसे बड़ा अगर प्रमुख कही तो IGMS को लेकर था। IGMS में जो स्वास्थ्य सेवा, जो बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल है PMCH की अगर बात कर ली जाए तो वही सबसे बड़े हॉस्पिटल, उसमें जो दवा से लेकर ऑपरेशन से लेकर सब चीज़ फ्री कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़े अगर सबसे बड़ी मुद्दा बिहार की अगर बात कर जाए तो नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन के, पटना के बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लगातार सरकार उनको आश्वासन दिए, तेजस्वी यादव जो विपक्ष में थे तब लगातार आश्वासन दिए कि आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आज तेजस्वी यादव डिप्टी CM है, और साथ ही साथ जो उनके पास कई विभाग है, और सबसे बड़ी कही जाए तो तेजस्वी यादव ने जो राज्यकर्मी दर्जा देने से इनकार कर दिया है, तो क्या आगे नियोजित शिक्षकों को लेकर आज क्या इस कैबिनेट की बैठक जो हो रही है, इस कैबिनेट के बाद बैठक के बाद क्या रिलीज होता है नियोजित शिक्षकों के लिए, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर देखी जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दफ़ा जो सोमवार की मंगलवार की बजाय सोमवार में ही बैठक बुलाई थी, आज मंगलवार है, आज मंगलवार कैबिनेट की बैठक में, इसमें कैबिनेट में बैठकों में और क्या निर्णय लेगा, यह सबसे बड़ी प्रमुख लग रहेगा। न्यूज बैस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। IIT GNEET एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके